हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुलुक का आईएएस। प्रीलिम्स 2020 का टाइम पास आ गया है एंड इट्स टाइम फॉर मुलुक का आईएएस एंड इट्स स्टूडेंट्स टू डोमिनेट एंड डोमिनेट विद रिजल्ट एंड अ पॉजिटिव रिजल्ट हैज टू बी देयर। एंड फॉर दिस मुलुक का आईएएस इज स्टार्टिंग अ वेरी डिटरमिंड प्रीलिम्स 2020 क्रैश कोर्स इन विच वी आर अश्योरिंग वॉट इज कॉल्ड अ मिनिमम ऑफ 70 क्वेश्चंस। 70 questions is what we are assuring. This is the questions that would be minimum that we would be giving you in the prelims. This is not a small number. Looking at the 2018, the prelim cutoff was just 98 marks. 2019 ki cutoff abhi aayi nahi hai. The result is not yet out. And we are expecting that it will not be more than 100 or 102. This will definitely give you कुछ आप सही भी होंगे कुछ गलत भी होंगे। इन दैट केस अ वेरी सेफ 60 प्लस क्वेश्चंस विल बी डेफिनेटली बी करेक्ट इफ 70 प्लस क्वेश्चंस आर डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम व्हाट हैज बीन कवर्ड। टुडे व्हाट आई वुड बी टेलिंग यू इज गिविंग अ समवट एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ द कोर्स वुड बी गोइंग ऑन, हाउ द क्लासेस वुड बी टेकन अप एंड व्हाट इज द एजेंडा फॉर दिस। द एजेंडा इज सिंपली वेरी क्लियर। द क्लासेस विल बी देयर एंड देयर वुड बी टू क्लासेस पर डे which will be taken in the morning. The classes will basically be 9 to 11:30. This will be the first class that would be there. The second class will be from 5 p.m. to 7:30 p.m. We are starting off with two classes. The first class will be for history, that will be taken up by me, and second class will be for geography, that would be taken up by Vijay sir. He's an expert. Vijay sir has also given UPSC interview 3 times and is also teaching geography as an optional and has a very great command over geography and environment as a subject. So we would be covering these things very, very carefully and very, very comprehensively in a number of classes. For example, for geography, he would be taking up 10 classes. For history, ancient, medieval and modern, I will also be taking up 10 classes. That would be followed by polity. Polity, we would be finishing another 9 to 10 classes, and economics, another 10 classes that would be there. Very, very comprehensively, and the notes will be equally provided. Environment, bacha hai, that environment would be taken up. It would need 5 classes for the environment. Then science and technology will take another 3 classes. Current affairs would take another 10 classes. This is how the classes would be there. And friends, one thing is very clearly that the syllabus will be covered very, very comprehensively in a way that your schedule will become your consistent plus comprehensive. Yaar, ek baat samjho, 5 lakh bachche paper dete hain, agar 10 lakh bachche form bharte hain, how many people they clear the prelims? इट इज ओनली अप्रॉक्सिमेटली 12-13 हज़ार लोगों का प्री क्लियर होता है, बाकी का नहीं होता। और ईमानदारी से ही बात करते हैं, अगर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इज अप्रॉक्सिमेटली 50,000 to 60,000। हमारा कंपटीशन 10 लाख में है ही नहीं है, हमारा कंपटीशन सिर्फ 50,000 या 60,000 लोगों में से है, और वहां पे भी वो लोगों से ज्यादा कंपटीशन है। अगर कट ऑफ 98 है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखो, 98 अगर कट ऑफ है तो 90 से लेके 97 वाले बहुत बच्चे होते हैं, और जिसका भी 98 मार्क्स है या प्लस माइनस 1 है यार, अगली 40 दिन आप पढ़ नहीं सकते ना। यू नेवर नो कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव आने वाला है। तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल कि जो भी कट ऑफ है, फॉर एग्जाम्पल 98 कट ऑफ है, 102 कट ऑफ है, आपका प्लस 10 मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। क्यों? बिकॉज देन ओनली यू विल बी इन अ कंपेरेटिवली बेटर पोजिशन। कि आप मेंस की तैयारी 40 पेपर के अगले दिन 2-4 दिन के बाद थोड़ा रिलैक्स हो गए, रिलैक्स तो वैसे कोरोना ने सबको बहुत कर दिया है, उसके बाद यू शुड बी 100% डेडिकेटेड कि यार कुछ भी हो जाए, अगर 120 कट ऑफ जा रही है मेरे 130 नंबर आएंगे, 125 कट ऑफ जा रही है मेरे 135 आएंगे, 100 कट ऑफ आ रही है मेरे 110 112 15 आएंगे। द सोल एम इज टू कवर द सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली एंड कंसिस्टेंटली इन अ वे दैट यू आर एबल टू लर्न एंड रिवाइज एवरीथिंग। टाइम आ चुका है जब आपके पास जो हथियार आपने तैयार करे हैं, अब गोलियां चलाने का टाइम है। गोलियां चलाने का मतलब टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, टू यूज योर ब्रेन इन सच अ वे दैट योर 100% एनर्जी बिकम्स कंसिस्टेंट फॉर द प्रीलिम्स 2020। और एक बात, इसलिए इस बार कट ऑफ ज्यादा जा सकती है फॉर अ रीजन बींग दैट एवरी स्टूडेंट हैज गॉट एक्स्ट्रा टाइम, सबको एक्स्ट्रा टाइम मिला यार। 31 मई को पेपर होना था, 4 अक्टूबर तक शिफ्ट हो गया है। तो मिनिमम एक बात तो लेके चलो, जो भी सीरियस स्टूडेंट है, मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं,
आई एम नॉट वेरी दैट मच कंसर्न अबाउट कि जो 50-60 हज़ार के बाद वाले हैं, जो जिसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा लो है और जो पढ़ने में इतने सीरियस नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टूडेंट हु इज कंपेरेटिवली वर्किंग हार्ड और स्टिल इस कैटेगरी में आ रहा है कि कट ऑफ से 2-4-5 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका प्री नहीं हो पाता। इन दैट वे द प्रोग्राम हैज बेसिकली बीन डिजाइंड टू कवर ऑल द की सोर्सेज दैट आर देयर, चाहे वो वहां से क्वेश्चन बन सकता है या ऑलरेडी बन चुका है, और वट आर द पॉसिबल एरियाज दैट आर देयर, इट वुड बी वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड। So it is the time that you should definitely be joining a Maluka IAS crash course, so that every section of the syllabus is covered very very comprehensively. Pad sab chuke ho yaar, ek saal mein aap bahut pad chuke ho. Many students are preparing from last 2 years, 3 years also. It is the time has come when you need to give your 100%. And ek baat hamesha dhyan mein rakho, yaar koi nahi puchne wala aapse. 12 घंटे पढ़ रहे थे, 5 घंटे पढ़ रहे थे, 10 घंटे पढ़ रहे थे, एक बात सिंपल सी घर वाले पूछेंगे, बेटा प्री पास हो गया कि नहीं हुआ, मेंस लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, बात खत्म। यार आधे पाप तो आपके ऐसे धुल जाएंगे जब आप कहोगे कि ठीक है, चलो ठीक है प्री मेरा क्लियर हो गया। घर वालों को लगता है कि ठीक है मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इसेंशियल। और आपके लिए भी एक मेंटल साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि मैं एक फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट हो गया, मेरा अभी तक प्री क्यों नहीं क्लियर हो रहा। जब देखते हैं कि साथ वाले आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, जो कुछ और सर्विसेज में जा रहे हैं, और घर वाले बोलते हैं यार क्या बात है, तुम बोलते हो मैं उससे ज़्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन जब पढ़ती हूँ लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट रीडिंग एन नंबर ऑफ बुक्स। एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, ये किताबों का प्रिलिम्स इज नॉट अ मैटर ऑफ बुक्स। और आज के डेट में अगर आप बात करते हैं बुक्स की बात करते हैं, यार किताबों का नाम किसको नहीं पता। वेरी प्रैक्टिकल टॉक कर बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफिकली एनसीईआरटी, प्लस आपकी जीसी लियोंग हो जाएगी, चाहे कोई और की मोटी सी बुक हो जाएगी। हिस्ट्री के लिए और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बेसिकली आपके पास स्पेक्ट्रम है। एनवायरमेंट के लिए आपके पास शंकर की बुक है। इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी एक स्टैटिक पोर्शन चल जाएगा प्लस करंट हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है। यार कौन ऐसा बच्चा है जो तैयारी कर रहा है और इसको ये किताबों, चार किताबों का नाम नहीं पता, मान रहे हो ना एक बात को। और अगर पॉलिटिकली लक्ष्मी का सफिशिएंट होती तो जब 2018 में 98 कट ऑफ गई थी 200 में से, उस बात ध्यान रखो उस टाइम पॉलिटी के ही 21 क्वेश्चन आए थे। लक्ष्मीकांत इज वन बेसिक बुक दैट विल बी कवरिंग द थिंग्स, इट डज नॉट डेवलप इंटरलिंकेजेस। करंट अफेयर के साथ आपके इंटरलिंकेजेस नहीं हो पाते, जिसकी वजह से पढ़ने के बावजूद, दो दो तीन तीन बार पढ़ने के बावजूद हमारा वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। दैट इज वन बेसिक लैकुना दैट इज देयर। नॉट ओनली दीज सोर्सेज विल बी कवर्ड वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, प्लस अदर रिलेटेड बुक्स। फॉर एग्जाम्पल, बहुत स्टूडेंट्स को पता है दैट आई एम एक्सपर्ट इन मार्किंग, कि यार यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से नहीं बन सकता। क्लास में कवर करवाएंगे, फॉर एग्जाम्पल शंकर, इट हैज अप्रॉक्सिमेटली 380 पेजेस। यार आपको लाइन बाई लाइन गिनती के 60-70 पेजेस मार्क करवा देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, इसमें से ये चार लाइन पढ़ लो, ये दो लाइन पढ़ लो, आपका काम खत्म। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पेजेस को दो बार भी पढ़ोगे, तीन बार भी पढ़ोगे तो भी याद नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर 60-70 पेजेस को आप 10 बार पढ़ लोगे, एक तो इससे कम हो जाएंगे, और जब दूसरी तीसरी चौथी बार पढ़ोगे तो आपकी आंखों के आगे से हर चीज निकलने लग जाएगी। It will be a flip through the pages that would be done. Same is the case एक बहुत मोटी सी बुक है खुल्डर की, geography की, यार गिनती के 40-42 पेज पढ़ने हैं वहां से। If these things can be there, the prelims will comparatively become very easy. नहीं तो people are reading. आपने एक बात notice करी होगी बहुत अपने साथ वालों से, यार कुछ लोग ऐसे हैं वो 2 महीने पढ़ते हैं and they clear the prelims. कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 ईयर से पढ़ रहे हैं, they do not clear the prelims. तो कुछ तो फर्क होगा, ये कुछ लोग क्लियर कर रहे हैं, कुछ लोग क्लियर नहीं कर रहे। मैं बहुत बार बोलता हूं, the only difference that is there is guidance. आज के टाइम पे इतने YouTube वाले बाबा बैठे हैं कि आपको सब कुछ ग्लोबल ज्ञान दे सकते हैं, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, लेकिन टू द पॉइंट क्या पढ़े। किताबें तो सबको पता है, मैं किताबों पे जाता ही नहीं हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, उस किताब में कौन से पेज पे कौन सी लाइन है ये बताओ तो हम मानेंगे। उसके लिए पहले खुद पढ़ना पड़ता है आपको पढ़ाने से लिए। इट्स नॉट ओनली कि जो भी आपको हवा हवा में बात कर रहे हैं,
वी हैव बीन डूइंग इट वेरी सक्सेसफुली. फॉर एग्जाम्पल इन 2016 when our student they gave the prelims for the first year, as we are the only institute in the country to provide for granted prelims and assured mains. Granted prelims ka matlab agar aapka pre clear nahi hua to hum pure paise wapas karenge. Usi program ke chalte hue I'll just tell a past result. 2016 mein when we started, out of 26 students, the 22 students they cleared the prelims. Bahut logon ko shock tha, ye aisa ho hi nahi sakta. In 2017, out of 38, 35 students cleared the prelims. When we published our result, many other institutes and other people they started commenting ki ye result kabhi ho hi nahi sakta. Yaar ek mere ko choti si baat batao, ab jab school college mein school mein pad rahe hote ho to kya ye itne bacche pass nahi hote kya aapki school college mein? They were unable to do it. Wo khud nahi kar pa rahe the, result nahi de pa rahe the. They start negatively commenting upon Muluka IAS ke result galat jhooth bol rahe hain ye. We also took it very seriously. In 2018, approximately 180 students were there. Jis din paper ho gaya, humne bol diya, ye hamare students ke roll number hai, khud jaake dekh lena, jab 40 din ke baad result aayega, kitne bachche pass ho rahe hain, kitne bachche fail ho rahe hain. Iske baad sabke muh pe taale lag gaye. 137 students they cleared the prelims. Kuch bacha hi nahi unko bolne ka. Hum apne bachchon ke roll number dete hain, aap apne students ke roll number deke dikhao ki chalo theek hai dekhte hain. टू द पॉइंट प्रैक्टिकल बात करो ना यार. 500 बच्चों की भीड़ बैठी होती है, उसमें से दो बच्चे का प्री निकल जाता है और खुश हो जाते हैं. क्या आपके पैसे आपके माँ बाप ने मेहनत करके नहीं कमाई हुए क्या? इट्स योर हार्ड अर्न मनी यार, यू शुड बी आंसरिंग देम. अगर मलूका वाला 70 क्वेश्चन की गारंटी ले रहा है, वो भी सिर्फ क्रैश कोर्स में, तो आप 40-45 साल पुराने इंस्टीट्यूट है, आप गारंटी क्यों नहीं ले सकते? दे देमसेल्फ वर अनएबल टू टेक अ गारंटी. और तो कुछ बचा नहीं था, चलो इनको क्रिटिसाइज कर लेते हैं. अब जब रोल नंबर दे दिए तो सब शांति हो गई. इन 2019 ऑल्सो 80% प्लस स्टूडेंट्स ने क्लियर द प्रीलिम्स. प्रीलिम्स आई पर्सनली बिलीव अगर गाइडेंस है तो इट्स जस्ट अ केक वॉक, ऐसे निकल जाएगा. अगर गाइडेंस नहीं है, इतना कुछ पढ़ने को है दोस्त, तो कभी खत्म नहीं होने वाला यार. हाउ द कोर्स वुड बी गोइंग ऑन, दिस इज बेसिकली ये हम क्लासेस कैसे कैसे होंगी. जैसे आपको दो क्लासेस पर डे होंगी. द बैच विल बी 5 days पर वीक. हफ्ते में 5 दिन ये क्लास चलेगी एंड डेली 5 hours की क्लास होगी. द सिलेबस विल बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड. नाउ अलोंग विद द क्लासेस सेकेंडली यू विल ऑल्सो बी गेटिंग 30 questions पर डे फॉर प्रैक्टिस. थर्ड थिंग, there will be 20 test papers that would be there. Along with this, all notes would be given. Very, very important. You won't get our notes outside, yaar. Jaise dusron ke sabke notes aapko mil jate hain. We do not sell our notes. Test to the point hai, bina faltu aage piche kuch nahi hai. Itna padh ke chale jao, itne mein question aa jayenge, baat khatam. Because this has been prepared very, very comprehensively. It is very important to work and to bring about a result, that is very, very important. And all the key sources that are there, all the key sources will be definitely covered. Aur tabhi ho pata agar aap kisi ko personal guidance dete ho. Jaise aapko result dikhaya, that is the highest success ratio that is going in the country. We are working on you. जो हम पढ़ा रहे हैं, we are consistently, the complete team is working on you. और ऐसा एक भी टीचर नहीं है यहाँ पे, एजुकेटर नहीं है मुलुका आईएएस पे जिसने इंटरव्यू ना दी हो. आई हैव गिवन यूपीएससी इंटरव्यू ट्वाइस. हिमांशु सर टीचिंग इकोनॉमिक्स हैज गिवन इंटरव्यू ट्वाइस. विजय सर हैज गिवन इंटरव्यू 3 times. मयंक सर हैज गिवन इंटरव्यू ट्वाइस. तो ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं है, ऐसा कोई टीचर ही नहीं है जिसके इंटरव्यू नहीं दिया. अगर इंटरव्यू तक आप पहुंच गए हो, मतलब आपको पता है कि क्या गाइड करना है. एंड इट इज द सेम टीम जिसकी वजह से लास्ट ईयर सिंगल डिजिट रैंक आए थे, फॉर एग्जाम्पल रैंक 6 एंड अदर्स. It is very much important to consistently follow the thing. For example, I'll give a small explanation. All the details of this course has also been put up basically in the on the website of mulukais.com. I'll give a short example. For example, ancient history ki class mein hum pehli class mein cover karenge Stone Age, the Harappan civilization, the Vedic Age. Second age class we would be covering the later Vedic period, Mahajanapads, Buddhism and Jainism.
थर्ड क्लास में हम कवर नहीं करेंगे मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्याज, गुप्ताज एंड पोस्ट गुप्ता, दीज वुड बी कवर्ड। और इसी हिसाब से आपका पूरे का पूरा चलेगा हिस्ट्री। जब पॉलिटी की बात करते हैं पूरी पॉलिटी विल बी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड। इकोनॉमी की फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम फर्स्ट क्लास में होगा, सेकेंड क्लास में फिस्कल पॉलिसी, थर्ड में मॉनिटरी पॉलिसी, फोर्थ क्लास में बैंकिंग, देन टैक्सेशन, फिफ्थ में, सिक्स्थ में बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेवन्थ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एट्थ क्लास में इन्फ्लेशन, नाइन्थ में पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, टेंथ में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अदर थिंग्स। एनवायरमेंट वुड बी एस इक्वली कवर्ड वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। सेम एज ज्योग्राफी, फॉर एग्जाम्पल जियोमॉर्फोलॉजी, देन क्लाइमेटोलॉजी, देन ओशनोग्राफी, देन वर्ल्ड मैपिंग इन द फोर्थ, फिफ्थ क्लास में इंडियन फिजियोग्राफी, सिक्स क्लास में इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, सेवन्थ में इंडियन क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन एंड इंडियन क्लाइमेट रीजन्स, एट्थ क्लास में एग्रीकल्चर, नाइन्थ क्लास में मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, द ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड टेंथ में इट इज इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग दैट वुड बी कवर्ड। तो कहने का क्या मतलब हुआ, एवरी सिंगल टॉपिक वुड बी कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली। अब आपने करना क्या है, देखो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन। द डिसीजन हैज टू बी पॉजिटिव वन, की चाहे कुछ भी हो जाए मैंने इस साल प्री निकालना है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर इस साल प्री नहीं हुआ तो दैट एक्स्ट्रा नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो जाएगा यार। क्यों बोलेंगे, पहले तो अभी मई, तू तो अगर मई में प्री हो जाता तो बिल्कुल ही नहीं क्लियर होना था। अब तो अक्टूबर में हो गया है, 4 अक्टूबर को है, तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, मतलब तू पहले ही तैयारी नहीं कर रहा था। इट इज एक्स्ट्रा टाइम दैट यू हैव गॉट एंड यू हैव टू यूटिलाइज दिस एक्स्ट्रा टाइम इन अ कंपैरेटिवली पॉजिटिव वे। नहीं तो क्रिटिसिज्म और भी ज्यादा होने लग जाएगा कि यार पता नहीं क्या कर रहे थे, अभी तक यही नहीं पता अभी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एंड डेफिनेटली कट ऑफ शायद ज्यादा जाएगी इस बार। क्यों, बिकॉज प्रीलिम्स का पेपर चाहे इजी आए चाहे डिफिकल्ट आए, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट दे हैव गॉट अ एक्स्ट्रा टाइम टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द एग्जाम। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, वट एवर क्लासेस दैट वी आर टेकिंग उसमें 100% आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए, प्रेजेंस सेकंड थिंग। उस क्लासेस में जो समझाया गया है आपको, जो नोट्स आपको दिए गए हैं, उसका ज्यादा मत करो, एटलीस्ट डू 70% ऑफ द मटेरियल दैट। और वो इतना ज्यादा नहीं होगा यार, हमें पता है प्रीलिम्स पास है, पिक एंड चूज जो इंपॉर्टेंट है वही दिया हुआ है। थर्ड थिंग, वी आर टेकिंग 20 टेस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन ईच, 100 क्वेश्चन ईच, डू नॉट मिस एनी टेस्ट। एंड फोर्थ थिंग, डेली 30 क्वेश्चंस आर बीइंग गिवन, जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। यार इतना कर लेना, इससे बाहर डेफिनेटली प्रीलिम्स नहीं जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली बी इन अ पोजिशन टू क्लियर इट। साल डेढ़ सवा साल से तैयारी कर रहे हो, गिव यू 100% इन द लास्ट 2 मंथ्स। और 2 महीने का खेल है, एक बार जैसे प्रीलिम से कट ऑफ आपकी बढ़िया हो गई, कट ऑफ 10-15 नंबर ऊपर हो गई, एयर फोर आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं एग्जाम मेंस भी क्लियर कर सकता हूं, कर सकती हूं। तो फ्रेंड्स, ज्वाइन मलूक का आईएएस इन दिस प्रोग्राम ऑफ क्रैश कोर्स इन विच मिनिमम 70 क्वेश्चंस वी आर अश्योरिंग। और आपको क्लास की क्वालिटी पहले से पता लग जाएगा, ठीक है, हाउ मच द स्ट्रॉन्ग, हाउ मच द टीम इज, हाउ मच टू द कोर वी आर वर्किंग एंड हाउ मच वी आर डेडिकेटेड टुवर्ड द सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट। Thank you very much, friends, and do join Muluk IAS for assured success. Thank you very much.